वेलकम टू अदर सिटी ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर। लास्ट टॉपिक में भी हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किया था, लेकिन वहां पे कंपेरियन हमने नहीं देखा था कि व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पे देखेंगे और उनके फंक्शन देखेंगे कि वो क्या वर्क करते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर में जो पार्ट्स होते हैं वो क्या वर्क करते हैं। ये सेकेंड चैप्टर है आपका बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको मालूम है कि कोई बॉडी होती है स्पेसिफिक फंक्शन को करती है, उसके ऑर्गन जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन डू इन स्पेसिफिक मैनर, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कहने का मीन्स ये है कि कोऑर्डिनेट कोई भी सिस्टम तभी करता है जब उसमें उसको कोई कंट्रोल करने वाला हो, दैट मीन कि कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन हमारा क्या है, हेड ऑफ बॉडी है और हेड ऑफ द पॉइंट्स है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का कल हमने ये जान लिया था, ये स्ट्रक्चर हमें पता चल गया था कि ये क्या है, सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे ये सेल्स होती हैं कि सेल आपस में कंबाइंड होंगी, सेल प्लस सेल कंबाइंड हुई तो क्या बनाई, टिश्यू। और टिश्यू आपस में कंबाइंड हुए तो ऑर्गन, और जब ऑर्गन और ऑर्गन आपस में मिलते हैं, टिश्यू प्लस टिश्यू यहां आपस में मिलते हैं और यहां पे ऑर्गन प्लस ऑर्गन होते हैं, तो यहां पे क्या बनता है हमारा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम और क्या होता है, न्यूरॉन्स किस पे बेस्ड है, सेल ऑर्गन एंड टिश्यू। तो बोथ दिस फंक्शन का जो लार्जेस्ट ब्रांच सेल होती है, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ब्रांच सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हमारे होल बॉडी मैस्कुलर सिस्टम में फैली हुई होती है, उसको हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ लेट स्टार्ट। टू न्यूरॉन्स आर जॉइंट टुगेदर, देयर इज ऑलवेज अ गैप। जब दो न्यूरॉन्स आपस में क्या होते हैं, अभी तक हमने एक न्यूरॉन पढ़ा था कि एक न्यूरॉन कैसा होता है, तो वो कुछ इस शेप में होता है न्यूरॉन्स। ये हम इसको बोलते हैं, ये जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी, और सेल बॉडी विथ ब्रांचेस प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड साइटोन। इस शेप को हम पूरे शेप को बोलते हैं, अगर इसको हम बोलना चाहेंगे तो टोटल एरिया को लेकर के बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं साइटोन और सेल बॉडी। अब इसके अंदर, अब ये सेल है तो सेल के अंदर में वहां पे कोई एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के अंदर में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। तो ये इसके अंदर क्या है, लिक्विड जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। अब न्यूरोप्लाज्म से आगे की तरफ जाएंगे तो देखते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो बाउंडेड होता है मेम्ब्रेन से, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, हेड ऑफ द सेल। और आगे की तरफ जाएंगे तो ये जो जंपिंग स्पॉट्स बने हुए हैं कुछ इस तरीके के, इस पूरे शेप को हम बोलते हैं एग्जॉन। और एग्जॉन का ये स्पॉट, ये स्पॉट, ये जो थिक स्पॉट दिख रहा है जंपिंग स्पॉट, इसको हम बोलते हैं माइलिन। और माइलिन से अंदर की तरफ देखते हैं तो हमें क्या होता है, इसकी वेंस सेल्स दिखाई देती हैं, छोटी छोटी होती हैं, जो क्या करती हैं, जब सिग्नल्स लिक्विडाइज होकर के डिलीवर हो रहे होते हैं तो उसको क्या करती है, हेल्प करती है। अब आगे आइए यहां देखते हैं कि टू न्यूरॉन्स आर जॉइंट टुगेदर, दे आर ऑलवेज अ गैप बिटवीन देम इज कॉल्ड साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, व्हेन टू न्यूरॉन्स आर जॉइंट टुगेदर देयर बिटवीन देम एक गैप। हम देखते हैं कि जब दो न्यूरॉन्स आपस में ऐसे नजदीक आ रहे हो, ऐसे नजदीक आ रहे हो तो एक टाइम पे आकर के वो रुकते हैं, उनके बीच में एक गैप फाउंड होता है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। यहां पे देखिए
यहाँ पे मैंने दो न्यूरॉन्स बनाए हुए हैं, तो इनके बीच में ये गैप है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। और जो साइनेप्स इज डिफाइंड एज ए जंक्शन बिटवीन, ये क्या हो गया, एक तरीके से जंक्शन क्रिएट हो गया बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड इट फिल्ड विथ अ लिक्विड। ये जंक्शन क्या होता है, एक लिक्विड से भरा होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं साइनेप्टिक लिक्विड, साइनेप्टिक फ्लूइड बोलिए, साइनेप्टिक लिक्विड बोलिए, एक यूनिक भाषा इसके लिए यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो इट इज अ लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन साइनेप जंक्शन व्हेन टू न्यूरॉन्स आर बाउंड टूगेदर या ज्वाइंट टूगेदर। जब दो न्यूरॉन्स जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, उस गैप के बीच में जो लिक्विड होता है उसे ही हम बोलते हैं साइनेप्टिक लिक्विड या साइनेप्टिक फ्लूइड। यहां पे डायग्राम में शो है आपका, ये अंदर की तरफ जो लिक्विड है इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब आते हैं आगे, तो फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या होते हैं, कल भी बताया था कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैरी करते हैं, दैट मीन कि एक तरीके से कमांड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किससे, फ्रॉम द बॉडी या रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का जैसे उंगली है, तो अब यहां पे डेंड्राइट प्रेजेंट है, जैसे ही हमने गर्म तवे पे हाथ रखा तो डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव कर लिया, तुरंत झटका सा लगा, हां जी जल गया, अब उसने तुरंत सेंसरी नर्व ने क्या किया, सिग्नल उसको लिया और ब्रेन को पास कर दिया। अब क्या किया, जैसे ही ब्रेन ने क्या किया, मोटर नर्व को बोला, मोटर नर्व ने ब्रेन से मैसेज को कैरी किया और सेंस ऑर्गन को दे दिया, हां जी हाथ हटाइए। और ये क्या होता है, पंच ऑफ सेकेंड का वर्क होता है, पंच ऑफ सेकेंड दैट मीन कि तुरंत ही एट दैट टाइम तुरंत ही होगा, एक्शन रिएक्शन तुरंत होगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट क्या होता है, टू रिसीव इंपल्स, इंपल्स का मींस क्या होता है, मैसेज, दैट मीन कि मैसेज को क्या करेंगे, ये रिसीव करेंगे, कैरी करेंगे। फंक्शन ऑफ द एक्सॉन क्या होता है, अब जब यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया इसके अंदर, तो अब हमें इसका फंक्शन बताना है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लिक्विडाइज होगा और क्या होगा, ट्रेवल करेगा थ्रू द एक्सॉन। तो एक्सॉन यहां पे क्या काम कर रहा है, ट्रेवलर का, तो ये सिग्नल्स को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करके उस इंफॉर्मेशन को टू अनदर न्यूरॉन्स को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। अब फॉरवर्ड, जब वो फॉरवर्ड करता है तो उसका वही फंक्शन हुआ कि एग्जाम का फंक्शन क्या हुआ है, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू न्यूरॉन्स, दैट इज नर्व इंपल्स कंडक्शन। ऐसा किस प्रोसेस के थ्रू होता है, नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है, एग्जाम कैरी ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू फॉरवर्ड अनदर न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में आते हैं, अब हमें पता चल गया कि एक न्यूरॉन इस तरीके से वर्क करता है, अब देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूरॉन, पहला क्या होता है मेडुलेटेड न्यूरॉन और सेकेंड जो होता है हमारा नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। अब मेडुलेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं, वेरी इजी, और यहां पे मैंने थोड़ा सा सेपरेट बनाया भी हुआ है, यहां पे दो टाइप के फिगर बने हुए हैं, दोनों में कंपैरिजन ये है, यहां पे लिखा भी हुआ है कि नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन ए स्पेशल टाइप ऑफ सीथ इज प्रेजेंट कॉल्ड माइलिन। तो यहां पे देखिए ये मेडुलेटेड है, ये मेडुलेटेड का टाइप है, यहां पे एक सीथ प्रेजेंट है, दैट मीन कि एक जंपिंग स्पॉट हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं माइलिन। अब माइलिन सीथ एंड इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। अब ये माइलिन कैसे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन और फैट्स का एक कवर इस एक्सॉन के लेयर को क्या करता है, कवर्ड करता है, तो हम इसको बोलते हैं, अब न्यूरोलेमा यही प्रेजेंट होता है, तो न्यूरोलेमा के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं माइलिन। अब आगे आते हैं द पॉइंट्स
ऑन द एक्सॉन वेयर द सीथ इज एबसेंट इज कॉल्ड नोड्स ऑफ द रैनियर. अब जहां पे माइलिन एबसेंट, द पॉइंट्स ऑफ एक्सॉन वेयर द सीथ इज एबसेंट. अब सीथ एबसेंट है, दैट मीन क्या माइलिन एबसेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ द रैनियर, दैट मीन की नोड्स एक तरीके से यहां पे एबसेंट है तो ये क्या हो गए, नोड्स हो गए, और ये क्या है, नर्व की एंडिंग है. अब सेकेंड टाइप में देखते हैं. अब दोनों के कंपेरिजन में यहां देख लीजिए, यहां पे माइलिन होता है या नहीं होता है. दूसरी चीज, यहां पे जंपिंग स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे, तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये थिक है इससे, तो ये थिक है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है इसका ये एक्सोनल, एंड ये एक्सोन है इसका, तो ये क्या है, थिक है देन दैट ऑफ रेस्ट ऑफ मॉड्यूलेटेड न्यूरॉन.